न्यूज़ ते मैं सिमन धालीवाल। क्रिकेट की दुनिया दे विच ओ वेखण नूं मिलिया जो सब लई मिसाल बन गया। कशुए की चाल चलन वाली जिम्बावे टीम जिसने अपने मुकाबले दे विच खरगोश की चाल चलन वाले पाकिस्तान नूं मात दे दित्ती है। जी हाँ, पाकिस्तान नूं हराया जिम्बावे ने, जिसका पिछले 10 साल तो क्रिकेट की दुनिया दे विच नामो निशान भी नहीं सी। इन्नी धीमी गति दे नाल जिम्बावे चल रही थी, पर बीते दिन जो जिम्बावे टीम ने कर दिखाया वो लगता है कि एक मिसाल जी बन गई है। अज इसे ही टॉपिक ते गल करांगे, चर्चा करांगे ते जानांगे कि जिम्बावे टीम जो कि पिछले 10 साल तो कुछ कर नहीं पाई सी, ना ही उसने वालों कोई मुकाम हासिल कर पाई सी, ते अज उसने पाकिस्तान नूं एक वड्डी करारी हार दित्ती है। T20 विश्व कप 2022 जिसनूं देखण दे लई सारी दुनिया दे विच इक अलग ही उत्सुकता पाई जांदी है, ते अज 24वें मुकाबले दे विच जिम्बावे ने वड्डा उल्ट फेर करदिआं पर्थ क्रिकेट मैदान दे विच पाकिस्तान नूं इक दौड़ दे नाल हरा दिता। बाबर आजम की कप्तानी दे विच पाकिस्तान की टीम की यह लगातार दूजी वड्डी हार सी। इस तो पहला भारत ने पहले मैच विच पाकिस्तान नूं हरा दिता। तुहानूं दस दिंदे आं, जिम्बावे टीम जो कि बहुत कमज़ोर टीम मनी जाती है, तो पिछले 10 साल तो जिम्बावे टीम के वलों कोई भी इतिहासिक जित हासिल नहीं की गई, तो ना ही इस टीम के वलों कुछ अजिहा करके विखाया गया जिस करके इस दीआं चर्चावां वधन। पर जो जिम्बावे टीम ने बीते दिन कर विखाया वह एक वड्डी गल सी। T20 विश्व कप 2022 विच होए 24वें मुकाबले दे विच जिम्बावे ने एक वड्डा फेर बदल कर दिया पर्थ क्रिकेट मैदान दे विच पाकिस्तान नूं एक दौड़ दे नाल हरा दिता, जो कि पाकिस्तान दे लई काफ़ी शर्मनाक सी। इस मुकाबले नूं जीत के जिम्बावे ने 2 अंक हासिल किए, जबकि पाकिस्तान का 1 भी अंक नहीं है। T20 विश्व कप 2022 दे विच पाकिस्तान क्रिकेट टीम लई हुण तक कुछ भी ठीक नहीं होया। भारत खिलाफ पहला मैच हारन तो बाद पाकिस्तान नूं जिम्बावे खिलाफ भी हार दा सामना करना पिया। लगातार 2 मैच हारन तो बाद पाकिस्तान दी टीम सैमीफाइनल दी दौड़ तो लगभग बाहर हो गई है। सैमीफाइनल च जाण लई पाकिस्तान नूं हुण चंगे प्रदर्शन दे नाल नाल किस्मत दा भी सहारा लैणा होवेगा। जिम्बावे ने उसनू एक दौड़ दे नाल हरा के मुश्किलां वधा दित्तियां ने। जिथे पाकिस्तान पूरी दुनिया दे विच ट्रोल हो रही है, उत्थे ही पाकिस्तान दे साबका क्रिकेटर शोएब अख्तर दे वल्लों भी पाकिस्तान नूं रज के कोसया गया। आओ तुहानूं सुणाउने आ कि इस बारे शोएब अख्तर दा की कहना है। मैच आपने देख लिया, रेट डिसअपॉइंटिंग, तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, और मुझे इस बात की भी तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान इज आउट ऑफ टूर्नामेंट, नॉट प्रैक्टिकली बट टेक्निकली यस। और देखें यार, अल्टीमेटली आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती, मैं बार बार पिट मर रहा हूँ, कह भी रहा हूँ, ये जो हमारे ओपनर्स हैं, हमारा मिडल ऑर्डर है, हमारा इस काम के नहीं है कि जहाँ पे हम इतनी बड़ी कोई जीत या सक्सेस हासिल कर सकें। कंसिस्टेंटली हम नहीं जीत पाएंगे। अब मैं क्या बोलूँ, अब आप खुद सोचें हम क्या बोलूँ, इस पर क्या बोलना चाहिए। यही बोलूंगा ना यार कि पाकिस्तान हैज अ बैड कैप्टन, नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप इन अ सेकेंड गेम अगेंस्ट जिम्बाब्वे। सो कप्तानी, 3 मैच हम नवाज से करवा के आखिरी ओवर में हार गए। ओपनर्स हैं, मैं कह रहा हूं कि यार बाबर वनडे ना आ जाओ, नई बात मान रहा। मेजर फ्लॉ विद शेन शाह अफरीदी फिटनेस, मेजर फ्लॉ इन अ कैप्टनसी, मेजर फ्लॉ इन अ मैनेजमेंट एट द सेम टाइम। अब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं मैं आपको बैक करें, बैक जरूर करूंगा यार, लेकिन आप किस किस्म क्रिकेट खेलने जा रहे हैं? इस तरह तो नहीं हो सकता मुंह उठाया आप चले गए वहां पे और आपके लिए कोई सेहरे लेके खड़े होंगे कि आपको मैच ऐसा पकड़ा देंगे। यार आप फॉर गॉड सेक, आप जिम्बाब्वे से हार रहे हैं, आपको ये समझ चीज नहीं आ रही कि आपकी क्रिकेट डिटेरियट कर रही है? और मैनेजमेंट से लेके पीसीबी चेयरमैन तक सारे ही सारे नील बटन नील बैठे हुए हैं, अकल ही नहीं है किसको सेलेक्ट करना है, किसको लेके जाना है। खिलाने अब 4 बॉलर हैं, खिला आप 3 फास्ट बॉलर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर आपको चाहिए, आप सेट को छोड़ कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई 2 बंदे काम के ले जाओ ओपनर, ताकि वो दायरे को सर्कल में यूज करें। फखर जमान आपके पास बैठा है, उसको आपने यूज ही नहीं किया। बैक फुट का प्लेयर है, वहां पर बेहतरीन काम करेगा, लेकिन वो क्या है जी, आप जान ही छोड़ते हैं एज ओपनर। इट्स रियली रियली एम्बैरसिंग यार, इट्स रियली एम्बैरसिंग। अल्टीमेटली आप तो नहीं, हमें मीडिया फेस करना पड़ता है, हमें इंडिया बैठना पड़ता है, हमें दूसरी दुनिया को जवाब देना पड़ता है। अब क्या जवाब देंगे इस परफॉर्मेंसेस के ऊपर? सो इट इज जस्ट लाइक शेमफुल, इट इज एम्बैरेसिंग। अब पाकिस्तान के लिए क्या रहेगा जी, कि अब साउथ अफ्रीका जीते
और वो इससे हारे, अब वो उससे हारे, रन रेट ऐसे होगा तो वैसे होगा, तो हम पहुंच सकते हैं यार। बट वाई पुट योरसेल्फ इन अ फर्स्ट पोजीशन, इन अ पोजीशन कि जहां पे आप स्ट्रगल करें। इंडिया का जीता जिताया मैच आपने प्लेट पर रखी, इंडिया को दे दिया, जीता जिताया मैच इंडिया के हाथ में रख दिया। क्यों नहीं कैलकुलेशन की बाबर आजम ने, कि क्यों नहीं मैनेजमेंट ने कोशिश की, मैनेजमेंट ने क्यों नहीं कोशिश की कि आप नवाज से ओवर नहीं कराना, नवाज के जॉब ही नहीं आखिरी ओवर कराना, आप उसको ओवर करवा रहे। सो मैं रियली डिसअपॉइंटिंग यार। मैं पहले भी कह चुका था कि पाकिस्तान इस हफ्ते पाकिस्तान वापस आ जाएगी और अगले हफ्ते इंडिया वापस आ जाएगी, वो भी सेमीफाइनल खेल के वापस आ जाएगी, वो भी कोई इतने 30 मार खान नहीं है। और हम तो बिल्कुल ही माशाल्लाह, मैं क्या बोलूं, मुझे इतना गुस्सा है, मैं मुझसे कुछ निकलना चाहे तो। रियली डिसअपॉइंटिंग यार, रियली डिसअपॉइंटिंग। कोई प्लानिंग नहीं, कोई मिडल ऑर्डर नहीं, कोई बॉलर नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं। जिम्बाब्वे, मैं यहां से बता के बैठ के बता रहा हूँ, लेंथ बॉल करते रहेंगे, ये मैच जीतेंगे। जो भाई वीडियो बना रहे हैं मेरे दोस्त साकिब सर, उनको मैं कह रहा था यार ये लेंथ बॉल करेंगे तो यहां पे हिट नहीं लगनी, बेशक नवाज सेट बैट्समैन भी हो, फारग, आप भी फारग। अब क्या, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही यार कि मैं तो ये प्रेडिक्ट कर चुका था, आप मेरी वीडियोस निकाले, जी टीवी बैठा हुआ था, मैंने उनसे कहा था कि मैंने कहा देखना इस हफ्ते पाकिस्तान वापस आ जाएगी, कि मुझे नहीं है ट्रस्ट यार इस टीम पे। क्यों इसलिए ट्रस्ट नहीं है कि इनके पास वो एम्यूनिशन ही पूरा नहीं है। वो आठवें नंबर पर आसिफ अली आ रहा है, तो आपने अचार डालना है हैदर अली का, उसका रोल तो डिफाइन करें, करना क्या उसने, वो मिडिल ऑर्डर में आएगा या आएगा, खेलेगा क्या करेगा कोई पता नहीं। बट इज यार it's horrifying, it's terrible, really disappointing, knowing the situation around the country, और आपकी ये परफॉर्मेंसेस, अल्लाह ही हाफिज आपका, ना सेलेक्ट करो। मैंने क्या कहा था वीडियो में, एवरेज बंदों से ना एवरेज डिसीजन एक्सपेक्ट किए जाते हैं। मीडियोक्रिटी जब आती है ना किसी कल्चर में, और जब एवरेज बंदा थ्राइव करता है तो फिर वो क्या करता है, वो एवरेज डिसीजन लेता है। सिलेक्शन कमेटी एवरेज बंदा, मैनेजमेंट आपकी एवरेज, टीम आपकी एवरेज, परफॉर्मेंसेज आपकी बिलो एवरेज। एंजॉय करें और सेलेक्ट करें नालायक लोग, और सेलेक्ट करें ना लाने दें, ना आने दें अच्छे लोग। मैं अपनी बात नहीं कर रहा यार, बाढ़ में जाए जॉब शॉब ये वो, हमें तो तकलीफ ये होती है यार, मुल्क सफर करता है, ना लाओ कट फॉर रोल पीपल, जो जॉब करते हैं जानते हैं, जो स्ट्रिक्ट होंगे वो जो करना जानते हैं, बिठाई जाओ नालायक आदमी, बुढ़का बड़ा करते जाओ, पाकिस्तान ने बड़ा घर कर दिया आज आपने। सो एंजॉय इट, कीप ब्रिंगिंग द एवरेज पीपल, कीप मेक श्योर यू कीप ऑन ब्रिंगिंग द एवरेज पीपल, लाते जाए ताकि एवरेजेस, मिट्टी के माधु बिठाए हुए आपने सारे, बस बैठे हुए हैं, रोटी खा रहे हैं, कोई प्लानिंग है नहीं, लगे हैं बस। दिस इज व्हाट हैपेंस वंस यू ब्रिंग, यू डोंट ब्रिंग द ब्रिलियंट माइंड्स into the play। ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੈਚ ਹਾਰੇ। ਜੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੋ ਮੈਚ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼। निडर, निष्पक्ष, बेबाक, हम हैं फैक्ट न्यूज़।